इस ब्लॉग खौफनाक ब्लॉग खौफनाक शक्ल के साथ खौफनाक शक्ल के साथ खौफनाक ब्लॉग आराम से थोड़ा आप इस शक्ल को देखकर डरते नहीं हैं आप नहीं, ये आप देखो हैंडसम लौंडे का ब्लॉग देखो छोड़ो इसको यार वो खुद हेलो गाइस कैसे हैं गाइस आप यहां देखिए गाइस पीछे ब्लॉग यहां देखिए गाइस ये है लौंडे गाइस ऐसे होता ब्लॉग ये नहीं है कोई ये हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल पहाड़ वाला सो गाइस आज है मंडे और हमारी यूनिवर्सिटी में आज है छुट्टी क्योंकि जो है 30 को वर्किंग डे था इसलिए आज छुट्टी दी गई है तो हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा घूम के आते हैं शिमला क्योंकि शिमला आए हैं तो शिमला को एक्सप्लोर करते हैं जाएंगे तो हम शिमला ही रिज वगैरह और स्टेट म्यूज़ियम आई गेस सो चलते हैं और सभी मेरी फ्रेंड्स जो हैं मुझे मिलेंगे वहीं पर विधानसभा के पास क्योंकि मैं रहता हूँ अलग जगह पर और वो लोग रहते हैं अलग जगह पर तो चलिए चलते हैं आप लोगों को भी आज शिमला का फुल टूर देता हूँ मतलब जितना जितना हम घूमेंगे तो चलिए चलते हैं इस प्रकार से है बहुत ही ज़्यादा बादल है उसमें भी हम जा रहे हैं और शिमला में हो और जाम ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता तो बहुत लंबा सा जाम लगा हुआ है वहाँ है ओल्ड बस स्टैंड तो वहीं जाना है फिर वहाँ पर फ्रेंड आएंगे फिर वहाँ से जाना है विक्ट्री टनल है और अभी हम विक्ट्री टनल से आगे चल रहे हैं मेरे साथ है विशाल और अभी हम जा रहे हैं विधानसभा की तरफ बहुत ज़ोर से यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को बट आप नज़ारों का आनंद लीजिए प्लेटफॉर्म हमारी रेल का टॉय ट्रेन का जाएंगे किसी दिन उसमें भी और ये आगे को जाते हुए हम हमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए नज़ारा थोड़ा सा तो अभी बैठते हैं यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को ये देखिए इधर का व्यू कितना सुंदर है तो यहाँ पे आके हमको पता चलता है कि जो स्टेट म्यूज़ियम है वो भी आज बंद होता है मंडे को और एडवांस स्टडी भी बंद होती है तो अब हम पता नहीं कहाँ जाएँगे अभी और लोग आ रहे हैं डरते नहीं आप ये है लौंडे गाइस ऐसे होता ब्लॉग ये नहीं है कोई ये क्लासमेट सारे आते हुए और अंकुश डंडे से चलता हुआ क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा तो मैं बहुत थक गया हूँ तो ये सभी हैं राहुल सचिन अंकुश विशाल अभिषेक और शिखर तो अभी हम जा रहे हैं आगे सर हाँ हाँ बिल्कुल केक अभी ये सब कुछ है मतलब हर बिल्डिंग अलग उसकी है अकाउंटेंट जर्नल एचपी शिमला और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये देखो कितनी सही बिल्डिंग है यार ये तो अभी जा रहे हैं हम चर्च की तरफ ही मालोड़ी और ये अभिषेक क्या देखिए अभिषेक की जैकेट कितनी सेक्सी है मतलब काफी अच्छी क्यों इनका काम यही है फुटेज बिल्कुल ठीक है पूरा व्लॉग ही ये व्लॉग होगा अंकुश जी के नाम अपना बड़ा YouTube चैनल उसमें डाल दूंगा मैं ये अंकुश व्लॉग जो ब्लॉगर को चुप करा देना वो है व्लॉगर वो है व्लॉगर हाँ। वो है असली व्लॉगर उसमें है दम उसमें दम है राहुल भाई तंग हो चुके हैं यहाँ पे रिज पे थके नहीं थे भाई हम बिल्कुल नहीं थके चार बार पहुंच गए चार बार देख लिया हमने रिज ब्लॉग पे यहां बंदियां देखने आए रिज देखने नहीं आए यहां पे देख कार्तिक भाई मैं दर्शन करूंगा रिज देखने ये रिज देखने आया हम बंदियां मैं तो ऊपर ऊपर कैमरा मोड़ मुड़ जाता है इसमें नहीं मुड़ता इसमें मुड़ उल्टा कर ज़ूम करो हां ये जो बजरंगबली है ना हनुमान जी ठीक है मैं इनके लिए आया हूँ यहाँ पे ये जो आगे लौंडे जा रहे हैं ना ये बंदियों ये बंदियों के लिए इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं और हम स्लो स्लो जा रहे हैं वही बात है और ये यहाँ पे हमारे गेटी थिएटर वगैरह पता नहीं क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे नाम का गेटी थिएटर चल जो भी है अंग्रेजों ने बढ़ा दिया उसकी फूफा कर रहे हैं हम बाकी है कुछ नहीं इसमें और बड़ी सुंदर सुंदर सी बिल्डिंग्स हैं ओल्ला यार और यहाँ पे हमारा प्यारा सतिरंगा और अभी चलते हैं आगे वहाँ पे फोटोज लेंगे इनको बहुत शौक है यहाँ पे भाई फोटो लेने का मैं कह लो भाई लो मेरे को तो नहीं कोई शौक है भाई मेरे को कुछ नहीं है झूठ हो रहे भाई तेरे को नहीं इनको जो लौंडे आ गए मेरे को तो है भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा फोटो कार्तिक भाई की इसकी फोटो लेंगे डिस्कशन हो रही है कि क्या करें भाई मेरी फोटो भी लियो ढंग से मास्क खोल पहले खोल ना तो ये हमारा रिज है और ये हमारा जो है चर्च है यहाँ पे बहुत पुराना चर्च है और ये स्टेट लाइब्रेरी है ये वाली और बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है तो मैं ज़्यादा आना पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत लोग होते हैं तो फिर क्या ही करना
और ऊपर हमारा है जाखू टेम्पल। तो बस यही है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे भीलपूरी खाई जा रही है, उसके बाद कुछ और खाते हैं, फिर हम जा रहे हैं ऊपर क्या बोलते हैं वहाँ को, जाखू। तो ये हमारा यहाँ पे रिज के ऊपर का एरिया है। देखिए कितना अच्छा फाउंटेन है यहाँ पे, वेरी यूनिक काइंड ऑफ फाउंटेन। तो अभी कुछ खाते हैं हम यहाँ पे, जो भी चश्मे वगैरह हैं वो सब कुछ डाल दिए बैग में, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर है ना वो बहुत ख़तरनाक है जाखू वाले। पिछले साल हम लोग गए थे, मैं और पूनम दी, अगर वो वाला व्लॉग नहीं दिखा होगा तो आई बटन में आ जाएगा, वो देखना। तो उसमें दीदी के ऐसे खींच के ले गया था वो बंदर। सो यहाँ पे आप जब भी आएँ तो थोड़े प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ख़तरनाक हैं। कुछ भी खाने पीने की चीज़ हाथ में ना ले जाएं, ना ऐनक वगैरह कुछ भी ना पहने, क्योंकि वो अटैक कर सकते हैं कभी भी। मैं कुछ डेवलपमेंट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये शेड टाइप बना रहे हैं नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। और मैं हमारे कई फ्रेंड्स आगे जा चुके हैं, हम स्लो स्लो चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा जब भी पूरा बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा जो है बन जाएगा। तो अभिषेक हम आपको यहाँ पे अभी पहाड़ी सॉन्ग सुनाने वाला है। अभिषेक आगे भाई, अब थक गए यार, सांस पूरी है ना, तो हम वहाँ से गाया नहीं जा रहा है। वैसे ये बहुत अच्छा गाते हैं। फिर से फुटेज खाता हुआ एक बंदा, वो कहाँ गया, वो आगे चले गए शिखर यार। हाँ, हमारे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जब बाबा बालकनाथ जी की बहुत बढ़िया भाई जी, और ये हमारे जिनकी सबसे ज्यादा फटी हुई है वो विशाल जी, और ये देखिए ये हमारा जो है हनुमान जी जाखू का मेन गेट, देख सकते हो कितना सुंदर है, लकड़ी का बनाया हुआ है। आई थिंक ये अभी बना है, क्योंकि पिछले साल में आया था तब ये नहीं बना था, तो अभी बनाया है गेट शायद। और चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पे पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है ऊपर तक जब आप जाते हो, और यहाँ पे हनुमान जी के ही भजन लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी उधर, आई होप दिख रही होगी। हाँ, तो ये लोग वहाँ से पैदल आए हैं, उसे भी नीचे से दिखाओ, कौन लोग, ये लोग, ये लोग, ये लोग बेचारा ये थोड़ा इसको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसका चश्मा हमने खुलवा दिया है, दिख रहा है ना, खतरा है यहाँ पे थोड़ा। हाँ, मत फेमस हनुमान जी की मूर्ति जो कि 108 फुट की है, ये देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो अभी चलते हैं हम मंदिर की तरफ। तो ये है मंदिर यहाँ पे हनुमान जी का, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है कि यहाँ पे हनुमान जी जब संजीवनी के टाइम आए थे तो रुके थे, कुछ ऐसी स्टोरी है। वो आगे बोर्ड लगा होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी चलते हैं, सभी जा रहे हैं आगे, दर्शन करते हैं हनुमान जी के, फिर फोटो फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस। हमारा ढिंगू माता टेम्पल है सामने, यहाँ भी जाएंगे कभी, आपको दिखाएंगे। वैसे एक व्लॉग है बना हुआ यहाँ का भी, तो आप देख सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। बड़े वापस अब, और थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग गई है, तो मैंने अपना टोपू लगा लिया है, पहुँच चुका। तो अभी चलते हैं, अभी कुछ लोग नीचे पहुँच चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। वो लोग कहाँ रह गए, अंकुश वगैरह, चलो फिर कमरे सिर को खबर मेरी जूरी बे चिड़ू लगाओ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तुम्हारा फ्लैग कितना अच्छा लहरा रहा है, जय भारत माता की। और अभी हम आ गए हैं जाखू से वापस, और ये देखिए शिमला रिज का नज़ारा। और अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, फिर मैं निकल जाऊँगा अपने रास्ते और ये लोग निकल जाएंगे अपने रास्ते। ये है गिटी थिएटर, और अभी जा रहे हैं हम यहाँ पर एग्जीबिशन देखने के लिए, अंदर पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं। ये देखिए हमारी हिमाचल की संस्कृति कितनी सुंदर है।
हाँ जी, कितनी सुंदर पोर्ट्रेट है। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बनी हैं वहाँ तक एग्जीबिशन। तो ये हमारे आर्टिस्ट ये भी बनाएंगे कुछ टाइम बाद ऐसी। आर्ट देखो कितनी रियलिस्टिक है ये भाई साहब। मतलब हम यहाँ आके ना सच में ऐसे हो गए हैं कि भाई क्या है ये आर्ट दुनिया। ये लगे ये देखिए कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक है ये। और सभी हमारे स्टूडेंट्स इसको देखते हुए। और यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन लग गया है। और ये तो है भी हमारा बहुत अच्छा गेटी थिएटर। मैं अंदर ऊपर तो नहीं गया हूँ बट काफ़ी अच्छा है। ये भी महाकाली टेम्पल है जो कि सराहन में है। तो बड़ी अच्छी वो बनाई है। और ये भी कुछ हिंदू नहीं है, ये बौद्धिस्ट टाइप है कुछ, मदर टेरेसा है शायद। और ये हमारा लाल किला काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे बुद्धा जी एग्जीबिशन देख के हम आ गए हैं। इतनी सुंदर एग्जीबिशन थी। वो थी जो HBU के साथ कलेब्रेशन में ही आर्ट कॉलेज है तो उसकी थी। तो उनकी बच्चों की वो सारी पेंटिंग्स थी, हमने पूछा वहाँ पे बाद में। तो अभी हम कुछ यहाँ पे खाने आए हैं, फिर उसके बाद चलते हैं वापस। चल पड़ा हूँ मैं रूम तक। सो काफ़ी अच्छा रहा आज। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। और अभी मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी रात होने वाली है और ये सामने आप देख सकते हो IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला का। और अगर यहाँ से ऊपर है जाखू, यहाँ पे यहाँ गए थे हम,